नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब शुरुआत करते हैं खबरों की। तो केदारनाथ से बड़ी खबर, जहां पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। फाटा से केदारनाथ धाम जाते वक्त हेलीकॉप्टर का रोटर खराब हो गया, जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीकॉप्टर 6 यात्रियों को लेकर सिरसी हेलीपैड से केदारनाथ धाम जा रहा था, तभी हेलीपैड से करीब 100 मीटर पहले हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जिसमें 6 लोगों की जिंदगी बाल बाल बच गई और लैंडिंग के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। क्रिस्टल एविएशन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर था जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। आज सुबह क्रिस्टल कंपनी ने सिरसी से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद उसको धाम पहुंचना, केदारनाथ धाम पहुंचना था। धाम पहुंचने के बिल्कुल कुछ दूरी पर ही उस तकनीकी खराबी के कारण इसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसमें कि 6 लोग सवार थे और एक पायलट है, और जो कि सभी सुरक्षित हैं। और बातचीत करने के लिए संदीप प्रसाद इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आज जो जिस तरह की एक इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई हेली की, उसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन आज एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इसके बाद जरूरत है कि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो, इस तरह की चीजें दोबारा ना हो, इस पर एहतियात बरती जाए। किस तरह की बात अब इस पूरे मामले को लेकर आ रही है, प्रशासन किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह सुबह आज घटना हुई है हेली इमरजेंसी लैंडिंग की, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया कि आगे जो यात्रा चलेगी केदारनाथ की और लगातार जो हेली सेवाएं चलेगी, उनके सुरक्षा मानकों को और खासकर यात्रियों की, श्रद्धालुओं की, उनकी सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि हेली कंपनी की जिस तरीके से आज उनकी तकनीकी की दिक्कतें हेली में आ गई और उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग, तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखी गई है। और जिस तरीके से अभी आपने सुना कि यहाँ पर जो डिजास्टर ऑफिसर है दुर्गा के, उनका भी कहना है कि 6 से 7 लोग उसमें थे हेली, मतलब यानी ये लगा लो कि पायलट के साथ ही 6 लोग और अन्य उसमें सवार थे। तो 6 लोग हेलीकॉप्टर में जाने पर भी एक सवाल है, क्योंकि 6 लोगों की कैपेसिटी हेलीकॉप्टर में होती है या नहीं होती है, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि जो कंपनी के अधिकारी, उनका कहना है कि हम वजन के अनुसार वहां पर यात्रियों को बिठाते हैं और वजन ही उसमें एक। संदीप, पिछले साल भी इस तरह की घटना हुई थी, एक बार फिर से इस घटना की पुनरावृत्ति हुई है, हालांकि सारे यात्री सुरक्षित थे, ये सबसे अच्छी खबर रही। लेकिन ऐसे में जो इस तरह की कंपनियां प्राइवेट है जो हेली संचालित करती है, क्या उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई ना की जाए? प्रशासन को इस तरफ देखना होगा, जिससे कि आगे इस तरह की बातें ना हो और जो यात्री हैं वो सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। इसलिए बहुत जरूरत है कि प्रशासन को सतर्क रहने की, और खास तौर पर जो कंपनियां चलाती हैं हेलीकॉप्टर को, उनको। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये पहला हादसा नहीं, ये हादसा तो टल गया, लेकिन इससे पहले भी लगातार कई हादसे हुए जिसमें कई लोगों की जाने गई हैं, और तब भी यही सवाल खड़े होते हैं कि क्या इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर इन कंपनियों के खिलाफ उसी समय कार्रवाई हो जाती या समय पर कार्रवाई की जाती, तो आज स्थिति नहीं होती कि इमरजेंसी लैंडिंग वाली स्थिति नहीं होती, ये तकनीकी दिक्कतें हेली कंपनी में नहीं होती। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को, शासन को खासकर एक अलग से एक सुरक्षा के मानकों को देखते हैं, और कहीं ना कहीं इन कंपनियों पे शिकंजा कसने, बिल्कुल 4 पैसे कमाने के लालच में यात्रियों की जान इस तरह से खतरे में डाल रहे हैं। प्रशासन को देखना पड़ेगा कि जब इस तरह की कंपनियों को आप देते हैं एनओसी या फिर वहां पर चलाने की इजाजत देते हैं, तो इस पर कड़ी नजर रखी जाए, जिससे कि जितने भी सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनका पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चमोली के गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज रवाना कर दिया गया। आज ये जत्था घांघरिया के लिए रवाना हुआ, जो कल सुबह 6:30 बजे घांघरिया से हेमकुंड के लिए रवाना होगा। 5 प्यारों की अगुवाई में रवाना हुए जत्थे में 2000 से ज्यादा श्रद्धालु हैं। कल सुबह 10 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालु के लिए खोल दिए जाएंगे। वही हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में भी मोबाइल फोन बैन रहेंगे। धाम के 50 मीटर के दायरे में फोटो वीडियो शूट करने पर पाबंदी रहेगी, जैसा कि चार धाम में प्रशासन के नियम के अनुसार घोषित किया गया है। और चारों धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। बद्रीनाथ में प्रशासन ने रील बनाने वाले 37 लोगों के चालान काटे। चारों धामों में 50 मीटर के दायरे में मोबाइल बैन है, इसलिए नियम तोड़ने वाले 37 यात्रियों के खिलाफ
कार्रवाई हुई है, यानी कि जो नियम बनाए गए हैं उस पर सख्ती से पालन भी किया जा रहा है। और इसी चक्कर में 37 ऐसे यात्री थे जो वहां घूमने आए थे, जो 50 मीटर के अंदर के दायरे में मोबाइल से रील बना रहे थे, उनके खिलाफ चालान किया गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में पिछले 14 दिनों में रिकॉर्ड 3,40,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। जिले में चार धाम यात्रा सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से चले, जिसको लेकर डीएम और एसपी लगातार यात्रा पड़ाव का दौरा भी कर रहे हैं। वहीं डीएम ने हर्षिल में अधिकारियों की बैठक को लेकर यात्रा से जुड़े इंतजामों को चाक चौबंद बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद सभी अधिकारी यात्रा रूट का निरीक्षण कर रहे हैं। बात की जैसे वेटनरी के अधिकारी हैं, डॉक्टरों की वहाँ टीम है, तो कोई भी ऐसा विभाग जो यात्रा के लिए जरूरी होता है उनकी ड्यूटी लगाई गई है और वो फील्ड में काम कर रहे हैं। और कहीं कोई अभी तक हमारा ऐसा कोई इश्यू नहीं आया और यात्रा बढ़िया चल रही है, व्यवस्थित चल रही है। उत्तराखंड के चारों धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। वहीं एक ट्रैवल एजेंट यात्रियों का फर्जी रजिस्ट्रेशन करा के यात्रा कराने की कोशिश कर रहा था, जिस पर पुलिस ने शिकंजा कसा। ऐसे ट्रैवल एजेंट के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ऋषिकेश में पुलिस ने चार ट्रैवल एजेंटों पर फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने के आरोप में मामला दर्ज किया है। एक ट्रैवल एजेंट की दिल्ली से जबकि दूसरे की गाजियाबाद से गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें जो है एक ट्रैवल एजेंट जो आपका ऋषि राज करके हैं, जो लीजेंड इंडिया हॉलीडेज नाम से चलाते हैं, उनकी गिरफ्तारी दिल्ली से की गई। साथ ही साथ हरिद्वार के ट्रैवल एजेंट हैं जिनके द्वारा भी ग्रुप ऐसी पोस्ट करके रजिस्ट्रेशन की डेट्स को चेंज करके ट्रैवल बनाया गया था, और ये कुनार ट्रैवल्स करके, इनकी भी गिरफ्तारी की गई। दो अन्य ट्रैवल एजेंट्स हैं जो अलग अलग जगहों के हैं, गाजियाबाद या अन्य जगहों के हैं, वहाँ हमारी टीम गई हुई है और लगातार ऐसे हम चेकिंग कर रहे हैं, रैंडम चेकिंग। और उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इस अलर्ट को जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली के साथ बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी बारिश के लिए अलर्ट जारी हुआ है। वहीं कई जिलों में तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम चारधाम यात्रा में मुसीबत बन सकता है। मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है, तो उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट है, बागेश्वर पिथौरागढ़ में भी बारिश की आशंका है। बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर भारती सकलानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, किन किन जिलों के लिए ये फॉरकास्ट मौसम विभाग की तरफ से किया गया है? मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये अलर्ट दिया गया है। पिथौरागढ़ की बात कर ली जाए, बागेश्वर की बात कर ली जाए, रुद्रप्रयाग, चमोली, ये वो इलाके रहेंगे जहाँ पर बारिश और तेज हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। खासतौर पर चारधाम रूट के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से पहले ही ये कहा गया था, यहाँ पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मैदानी जिलों की भी अगर हम बात करें तो मैदानी जिलों में भी टेम्परेचर डाउन रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। देहरादून की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर भी सुबह से ही उमस बनी हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगले जो आने वाले दिन है उसमें टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल सकती है। कई जिलों में तापमान नीचे आ सकता है, लेकिन आज के लिए ये कहा गया है कि 5 जिलों में इसमें बारिश कहीं कहीं पर परेशानी बढ़ा सकती है। ठीक है भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और देहरादून में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ बताई जा रही है। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश पुलिस की गोली का निशाना बने। मोहम्मद फैसल सुल्तान घायल हुए हैं, जबकि एक आरोपी असलम को पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी यूपी बिजनौर के रहने वाले हैं। देहरादून गोकशी के इरादे से आए थे, तभी पुलिस की प्रेम नगर के मिट्टी बेरी स्थित टी स्टेट में इनके साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें दो बदमाश घायल हुए जबकि एक की गिरफ्तारी हुई। और अवैध मजारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने के बावजूद धार्मिक प्रतीकों के नाम पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। विकासनगर के शंकरपुर में आईटीआई के कैंपस में रातों रात मजार बना दी गई। ताज्जुब की बात यह है कि इस पर आईटीआई प्रशासन ने भी कोई कदम नहीं उठाया। लोगों की शिकायत पर गुरुवार को मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने इस मजार को ध्वस्त कर दिया।
इस मामले में सीएम थामी ने भी संज्ञान लिया और अपने सचिव शैलेश बगौली को जांच के आदेश दिए हैं। और चुनाव नतीजों का इंतजार खत्म होने वाला है। अब प्रचार भी आखिरी दौर में पहुंच चुका है। आखिरी दौर में हिमाचल और पंजाब में भी वोटिंग होगी। यहां प्रचार में उत्तराखंड के नेता भी पहुंच चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रचार छोड़कर बीजेपी नेताओं को वहां पर दोनों राज्य सरकारों का काम देखना चाहिए, क्योंकि नतीजे तय हैं। उत्तराखंड में 19 अप्रैल की वोटिंग के नतीजे 4 जून को सामने आ जाएंगे, तो चुनाव प्रचार भी आखिरी दौर में पहुंच चुका है। 1 जून को आखिरी दौर के लिए प्रचार, 30 मई को थम जाएगा। इस राउंड में पंजाब और हिमाचल में वोटिंग होनी है। फिलहाल इन दो राज्यों में उत्तराखंड से बीजेपी और कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस का दावा है कि पंजाब हिमाचल में माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, इसीलिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और कार्यकर्ताओं को वहां का काम देखना चाहिए, जहां हिमाचल में कांग्रेस और पंजाब में आप विकास कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि हिमाचल में बीजेपी मजबूत होती तो खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा चुनाव लड़ते, राज्यसभा नहीं जाते। और आप अपने प्रदेशों का कंपेरिजन कर लीजिए, आप कितना काम कर रहे हैं और जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें हैं या विरोधी दल की सरकारें हैं वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा होता है ये लोग वहाँ जा रहे हैं, कुछ जो सरकारों ने काम किए हैं उनसे कुछ शिक्षा लेके आते तो अच्छी बात होती, ताकि वो इस प्रदेश में भी उस फार्मूले का इजाद कर सके, उसका इस्तेमाल यहाँ कर सके। कांग्रेस ने पंजाब में गणेश गोदियाल को स्टार प्रचारक बनाया है, तो संगठन के नेताओं को हिमाचल प्रदेश में काम सौंपा गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट, संगठन मंत्री अजय कुमार और मंत्री धन सिंह रावत हिमाचल में हैं, तो प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के साथ संगठन के दूसरे नेता पंजाब में हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रचार प्रोग्राम भी दोनों राज्यों में लग सकते हैं। ऐसे में हिमाचल और पंजाब से कुछ सीखने की बात को बीजेपी बकवास बता रही है और लोकसभा चुनाव में जीतेगी तो बीजेपी ही। कहना चाहूंगा कि जो हमारे कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश हो और चाहे हमारे पंजाब जो गए हुए कार्यकर्ता, हमारी सीटें वहां आएगी, हिमाचल प्रदेश चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड मानव वन्य जीव दार भालू, बाघ और हाथी के हमले में दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है। अकेले इस साल के शुरुआती एक महीने में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 17 लोग घायल हो गए थे। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गंभीर चिंता जताई थी। अब मानसून सीजन शुरू होने वाला है, जिसमें मानव वन्य जीव संघर्षों की घटनाएं बढ़ जाती हैं। वन विभाग का कहना है कि इस दौरान घनी झाड़ियां उग जाती हैं, जिससे जंगली जानवरों को आसानी से छिपने का मौका मिल जाता है। हमारे घरों के आसपास, हमारे जो रास्ते हैं उनके आसपास झाड़ियां बढ़ जाती है, जो जंगली जानवरों के छुपने के लिए बहुत आसानी से स्थान मिल जाता है। इस कारण जंगली जानवर जो है वो कई बार आबादी के बहुत पास आ जाते हैं और तब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि कोई जानवर छुपा है और लोग बहुत पास से उसके अगर गुजरते हैं तो फिर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। वन विभाग ने इसके लिए सभी फॉरेस्ट डिवीजन को एडवाइजरी जारी कर दी है, खासकर पिथौरागढ़ और तराई के फॉरेस्ट डिवीजन को, जो कॉन्फ्लिक्ट के मामले में सबसे अधिक संवेदनशील है। विभाग ने करीब 10 करोड़ के कैमरा ट्रैप, ड्रोन, पिंजरे, ट्रैंक्यूलाइज गन आदि उपकरण खरीद कर सभी डिवीजन में भेज दिए हैं। सभी डिवीजन को कहा गया है कि वे स्टाफ को इन उपकरणों को चलाने के लिए जल्द से जल्द ट्रेन कर दें। पिछले वित्तीय वर्ष में पूरे प्रदेश में लगभग 10 करोड़ रुपए से अधिक के उपकरण जो मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण के काम में आते हैं वो उपलब्ध कराए गए हैं और प्रभागीय वनाधिकारियों से ये अपेक्षित है कि वो उपकरण प्राप्त करके समय से उसको फील्ड में उपलब्ध कराएंगे। वन विभाग की चिंता के पीछे बाघों के बढ़ते हमले भी बड़ा कारण है। आमतौर पर कुछ एक एरिया को छोड़कर पहाड़ से लेकर मैदान तक गुलदार के हमले की ही घटनाएं होती थी, लेकिन अब बाघ भी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। 2021 में जहां बाघ के हमले में 2 लोगों की मौत हुई थी, 2022 में 16 और 2023 में 17 लोग बाघ मार डाले। यदि अलर्ट नहीं रहे तो मानसून सीजन में हमले और तेज हो सकते हैं।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।